हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में देखिए, जो एक मैं मोबाइल लाया हूँ, सैमसंग का डिवाइस है, सैमसंग का मोबाइल है ये, 1200 मॉडल है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस मॉडल में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आज की इस वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं, इसके जो कीपैड बटन्स होते हैं वो किस तरह से काम करता है, कौन सा बटन कहाँ पर कनेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल देखिए कौन सा है, सैमसंग का है, सैमसंग 1200Y, ठीक है। इसका हम लोग क्या करने वाले, फुल कीपैड बटन, फुल कीपैड वेज हम लोग इसका देखने वाले हैं, कौन सा बटन कहाँ पे कनेक्टेड होता है, कौन सा बटन कैसे काम करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए, समझिए कि ये एक हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, डायग्राम नंबर एक इसको नाम देंगे हम लोग। ये एक हमारा मदरबोर्ड हो गया, अंदर एक बाहर के पॉइंट्स के लिए, और दूसरा जो बोर्ड है, डायग्राम है, वो बाहर और अंदर बाहर के दोनों के लिए अलग अलग हम लोग सेक्शन बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये हो गया, अब इसमें मान लीजिए कि जैसे कि अब ये ऊपर का जो सेक्शन है उसको डिस्प्ले का लाइन दे देंगे और नीचे बटन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बटन जो हैं कितने हैं, 7 बटन्स हैं। तो अपने को यहाँ पर 7 सर्कल बनाने हैं, 7 बॉक्स अपने को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे बटन अपने को देखने हैं ना, तो ये उसके हिसाब से है। सेम वैसा ही अपने को नीचे भी बनाना है, क्योंकि नीचे भी 7 बटन्स आएंगे और बाकी के जो बटन्स हैं सबको सेम ही रहेंगे, तो नीचे भी अपने को सेम टू सेम डिट्टो बनाना है। ठीक है, अभी ये जो है हमारा डायग्राम रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक जो दो डायग्राम है, इसमें से एक को हम लोग क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा आउटर लाइन्स, मतलब जो बड़ा बॉक्स रहता है बाहर का लाल लाइन, वो वाला हो जाएगा ये, और इसको हम लोग अंदर का जो है इनर लाइन्स, इसको नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम नंबर हमारा जो है एक है, कौन सा है, ये डायग्राम 1, ठीक है। और ये जो है दूसरा हमारा डायग्राम नंबर 2 है, कौन सा, डायग्राम नंबर 2। अब इन दोनों डायग्राम्स में हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग मल्टीमीटर की मदद से हर एक बटन का लाइन चेक करेंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन कहाँ पे है, किस तरह से वो काम करता है, किस किस बटन से वो कनेक्टेड रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे और यहाँ डायग्राम पे उसको ड्रॉ करेंगे कि कौन सा बटन कहाँ पर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी बटन्स का उसका कीपैड का पत्ता मैं निकाल चुका हूँ, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा बटन कहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से बटन जो एक नंबर का डायल होता है वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हैं और चेक करते हैं इसका कौन सा बटन कहाँ पे कनेक्टेड होता है। देखिए ये कुछ हम लोगों ने, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को बाहर का सेक्शन चेक करना है, देखिए ये, और यहाँ पर इन बटन्स का कनेक्शन जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। अब कहाँ पर देखिए, एक तो ये, दो तीसरा, और ये हमारा बटन नंबर 4 है, ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड हैं। तो ठीक है, देखिए ये हमारा बटन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब सेम वैसा ही आगे के बटन्स को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन, यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कनेक्शन कहाँ पर है इसका। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इसका बटन का कनेक्शन जो है यहाँ से दिया हुआ है, कहाँ पर देखिए, 1, 2, 3 और ये बटन नंबर हमारा 4। तो ये हमारा 4 बटन का कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 2, ठीक है। अब लाइन नंबर 3 के लिए वापस हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर इसका कनेक्शन दिया हुआ है। देखिए ये 2, 3 और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका कनेक्शन हम लोग ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका बजर आ रहा है, तो इसका कहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पर से देखिए, 1, 2, 3 और ये हमारा बटन नंबर 4। ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड हैं, कहाँ पे देखिए, ये ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 3। अब लाइन नंबर 4 बची हुई है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं उसका कनेक्शन कहाँ से दिया हुआ है। तो ये 4 3 बटन आपस में कनेक्टेड है,
जैसे इसका कनेक्शन जो है यहाँ से ये तीन बटन से होते हुए यहाँ पे तो दिख तो नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए इसका जो कनेक्शन है देखिए यहाँ पे तीन बटन पर है, एक दो और ये तीन, इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर तीन बटन पे दिया हुआ है, लाइन नंबर हमारा 4, ठीक। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक बटन का कनेक्शन मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये एक मिस हो गया था हमसे, कौन सा, यहाँ पे लाइन नंबर एक का, एक यहाँ पर लाइन नंबर एक का, देखिए यहाँ पर भी एक कनेक्शन दिया हुआ है, ये वाला बटन यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से जाते हुए यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये पांच बटन आपस में कनेक्टेड है और आपको ये तीन बटन तो याद ही होगा, पिछली वीडियो में भी हमारे तीन बटन यहाँ पर ही कनेक्टेड थे आपस में, तो ये तीन बटन आपस में कनेक्टेड हैं, ये हो जाएगा लाइन नंबर हमारा 5, ठीक। अब देखिए ये 5 कनेक्शन हो गए, अब ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये दो बटन सेपरेट हैं, यहाँ पे इन दोनों बटन का कनेक्शन आपको पूरे बोर्ड पर कहीं पे भी नहीं दिखेगा, नहीं इसका कनेक्शन देखिए दोस्तों मिस हो गया था हमसे, इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सीधा ये हमारे लाइन नंबर 4 का कनेक्शन है ये, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम, और पावर बटन का जो है वो सेपरेट रहता है। अब हम लोग देखेंगे इनर लाइंस, इनर लाइंस में देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है कैसे कैसे गया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इसके जो लाइंस रहते हैं वो एक के नीचे एक रहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के तो ऐसे ही रहते हैं, 4 बटन के कनेक्शन आपस में रहते हैं, उसके बाद आगे कहीं और जाता है वो। अब इसका देखेंगे कहाँ पर गया हुआ है, देखिए यहाँ पर बजर आ रहा है इसका, तो यहाँ पर देखेंगे भी ड्रॉ करेंगे एक ये, और 4 बटन हमारे ये एक के नीचे एक वाले, ठीक है। ये लाइन नंबर एक का कनेक्शन यहाँ से ऐसे गया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 2 के लिए भी सेम प्रोसेस वैसे ही है, वैसे ही हम लोग उसको भी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 बटन आपस में कनेक्टेड है, और उसके बाद यहाँ पर सप्लाई, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी सप्लाई आ रही है, और देखिए ये किए और ये हमारे पुराने 4 बटन्स। तो लाइन नंबर 2 का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 3 पे देखिए, पिछले वीडियो में भी हमारे पास सिर्फ 4 ही बटन्स मिले थे, क्योंकि इसका और कहीं पे कनेक्शन नहीं दिया होता है, ये लाइन सेपरेट होती है, ये सिर्फ 4 बटन से कनेक्टेड होकर सीधा मेन आईसी में, पावर आईसी में जो है कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये हमारे 4 बटन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 3, कौन सा, लाइन नंबर 3, ठीक है। अब आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी हमने ये जो सर्कल चेक किया था, सर्कल का जो बटन्स होते हैं वो चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर एक लाइन में भी सप्लाई नहीं आ रही तो आप एक दूसरे से जंपर मार सकते हैं। तो चलिए ये देखिए ये 4 बटन हमारे यहाँ से आपस में कनेक्टेड है, ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 4, ठीक है। और ये दो बटन हमेशा आपस में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से यहाँ पर इसका कनेक्शन होता है, तो देखिए ये ऐसे जाके यहाँ पर कनेक्टेड होता है, ये हो गया हमारा लाइन नंबर 5। तो ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए ये दोनों जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं, ये जो ड्रॉ किया है हमने, ये जो है इसके लाइन से कौन सा बटन कहाँ पर कनेक्टेड होता है हमने मदरबोर्ड में मल्टीमीटर की मदद से देख लिया, ढूंढ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी मोबाइल में, अगर जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर का बटन काम नहीं कर रहा, लाइन ब्रेक है, और यहाँ के आगे की जो सप्लाई लाइन है यहाँ पे ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर ओके है, अब यहाँ पे बीच में कटा है तो बाकी जगह पे आगे काम नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए तो उसको जंपर कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम इसमें जो ये जो वीडियो है हमारा, इस तरह के सॉल्यूशंस में काम आता है। देखिए अगर शॉर्टिंग है बटन में, शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो शॉर्टिंग वगैरह में काम आ जाता है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि लाइन जो है किसी भी कारण से अगर ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक लाइंस के लिए काम आ जाता है, ठीक है। तो और अब लाइंस ब्रेक होगी या शॉर्ट होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे करना है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए कि वाटर डैमेज है, अगर पानी गया है तो लाइंस काम नहीं कर रही या सप्लाई लाइंस नहीं आ रही, तो किस कारण से कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से क्या है, वो हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट
कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो है हमारा फुल कीपैड का बेस, कौन सा कनेक्शन कहाँ से जम्पर ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है, उसका जो वे है वो हम लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यहाँ से इसको देख के सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब इसमें, इस वीडियो में हम लोगों ने कीपैड की जो है पूरे वेज की जानकारी, पूरे लाइंस की जानकारी हम लोगों ने देखी कि कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्टेड है। ये कुछ है जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो बस यही आज के लिए, बस इतना ही है। तो चलिए ठीक है, आप वीडियो में ऐसे बने रहिए, और भी कुछ लगेगा तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देखिए, उससे भी सीखिए। अगर कुछ भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो में बस इतना ही था, और कुछ भी डाउट लगता है दोस्तों कमेंट करो, आप मुझसे पूछो इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी दूसरे वीडियो के रिलेटेड। मेरा आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, ठीक है।